मार्केट में रस देखो ऐसा है, क्योंकि कल तीज है ना। हाँ, आज विश्वकर्मा पूजा, कल तीज और परसों गणेश पूजा। यहाँ पे भाई हमेशा ज्यादातर दिन ना जाम होती है, बट देखो आज एकदम फ्री है। क्योंकि देखो बाइक के साथ क्या हो गया, आज ही था और आज ये देखो टूट गया पूरा। जब घर से मैं बाहर निकाला ना बाइक, तो मेरा गाड़ी सही था बिल्कुल, बट मैं थोड़ा। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज, आज अपन लोग संडे और आज विश्वकर्मा पूजा भी है गाइज, तो अपन लोग बाइक बाइक पूजा करके शाम में निकले हैं लॉन्ग ड्राइव पे। सो लॉन्ग ड्राइव पे निकलने से पहले गाइज अपना बाइक के साथ कुछ हादसा हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो भाई ये देखो अपना बाइक, जो कि मैंने पूजा का भी वीडियो बनाया है, वो आपको पहले दिख जाएगी, उसके बाद ये वाली ब्लॉग वाली वीडियो आएगी। सो भाई ये देखो बाइक के साथ क्या हो गया, आज ही था और आज ये देखो टूट गया पूरा। जब घर से मैं बाहर निकाला ना बाइक, तो मेरा गाड़ी सही था बिल्कुल, बट मैं थोड़ा सा घर गया, वहाँ पे पता नहीं बच्चे लोग क्या किए, बाइक गिर गया ऐसे ही। सो देखो यार, थोड़ा सा मैं कितना बड़ा नुकसान हो गया है, पूरा इसका स्पेयर पार्ट्स है ना, ये वाली टोटल मान लो ना तो 5,000 का एक साइड का स्पेयर पार्ट्स है, और फिर ये 5,000, मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गई गाइज। मेरे को पता नहीं था, वहाँ बच्चे काफ़ी सारे थे ना, तो बिना टच किए हुए तो गाइज गिर नहीं सकता है। तो भाई कैसे गिर गया पता नहीं यार, स्टैंड पूरा हट गया। और ये देखो इधर का रोड भाई कैसा है, बस इधर से ही अपने को निकलना है। सो गाइज देख लिए ना, थोड़ा सा के कारण कितना बड़ा नुकसान हो गया भाई, मतलब मान लो ना तो 5,000 से कम का तो स्पेयर होगा नहीं गाइज, क्योंकि एक साइड का जो भी फ्रेम है ना काफ़ी कॉस्टली आता है, R15 का। अगर नहीं पता होगा तो एक बार पता भी कर लेना गाइज, काफ़ी कॉस्टली आता है। लोग निकल रहे हैं इधर से डायरेक्ट, आज थोड़ा ज़्यादा ही लंबा टूर पे निकलेंगे गाइज, आज लगभग में 30-35 किलोमीटर के आसपास निकलेंगे, उसमें अपन लोग बहुत कुछ कवर अप करेंगे। सो बस वीडियो में बने रहना गाइज, काफ़ी मस्त मस्त सीन दिखाने वाले हैं। और फिर चलो यार, ट्विस्ट है देखना भाई, क्या किधर किधर अपन लोग जाते हैं और कितना मस्त वाला मजे करते हैं। बट थोड़ा सा अंदर से होता है ना भाई, टूट गया बाइक तो यार क्या बोल सकते भाई, बस हो गया सो हो गया, दुर्घटना घट गई, बस ये सब याद नहीं करना। बट हाँ यार, एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग के लिए ना 1 रुपया का भी कुछ होता है ना, तो थोड़ा सा अंदर से आता है यार, बट फिर भी यार जो होना था वो तो हो के ही रहता है ना, तो हो। सो गाइस आज विश्वकर्मा पूजा है ना, तो देखो यार सारा जगह पूजा ही पूजा हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा गाड़ी ये सब होती है ना, लोहा का सामान जो भी विश्वकर्मा जी का, सब जगह पूजा हो रहा है। ये देखो यहाँ पे धुला रहा है, फिर बाद में पूजा होगा, इधर भी पूजा होगा धुलाने के बाद, और फिर काफ़ी इधर तो पूजा भी हो रहा था बहुत अच्छे से, एकदम विश्वकर्मा जी का मूर्ति भी बैठाते हैं ना लोग, ये सब में तो और भी पूजा होगा। ये देखो भाई बैठा के अंदर से पूजा कर रहे हैं सारे लोग। यहाँ पे भाई हमेशा ज़्यादातर दिन ना जाम होती है, बट देखो आज एकदम फ्री है, क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा है तो उसको लेके पूरा फ्री ही है। नहीं तो भाई इधर जहाँ पे अभी अपन लोग बाइक पीछे थोड़ा सा था ना, मंदिर के पास पे जाम रहता था पूरा एकदम। मार्केट में रस देखो ऐसा है, क्योंकि कल तीज है ना। हाँ, आज विश्वकर्मा पूजा, कल तीज और परसों गणेश पूजा, तो तीज के लिए सारा भीड़ है, सारा फ्रूट से सब जो भी है, मूर्ति भी कल, शायद मूर्ति तो कल लेते हैं ना गौरा गौरी जी का, क्योंकि उस टाइम तीज में ना गौरा गौरी जी का पूजा होता है। हम लोग पहले बचपन में थे ना तो बहुत ज़्यादा मजा करते थे, माथा पे ले जाते, मिट्टी लाते थे, मिट्टी से मम्मी बनाते थे, पूजा करते थे, फिर माथा पे ले जाके अपन लोग पानी में दहाते थे। बड़ा सामने ब्रिज दिख रहा है, ये देखो भाई ये ब्रिज ना गाइज, मतलब आज से नहीं तकरीबन बोले ना तो 15 या फिर 16 मेरे ऐसा ख्याल से तब से बन रही, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ भाई, मतलब इतना टाइम के बावजूद भी ना एक पुल ना कन ना एकदम ये होना पूरा कन ना बने ना, तो गाइज कैसा फीलिंग्स आती है आप लोग सोच सकते हो। सो जब जब इलेक्शन आती है ना तब तब इसमें हाथ लगता है, और इलेक्शन ख़त्म होती है फिर वैसे का वैसे ही हो जाता है, मतलब कोई हाथ वाथ नहीं लगाता। अभी 2024 में बिहार में इलेक्शन है, तो अभी थोड़ा बहुत हाथ लगा होगा, बना होगा, बट मेरे को नहीं लगता इस बार भी कंप्लीट होगा, शायद ये 2030 तक ही कंप्लीट होगा, 2029 तक ही। क्योंकि फाइनली भाई ये देखो अपन लोग नूरसराय से आगे आके ये चंडी वाला रूट है, मतलब ये पटना वाला रूट है, और इधर चला जाता है शायद, मेरे को पता नहीं किधर चला जाता है, बट ये पटना की तरफ जाता है। तो अभी अपन लोग यही रूट कंटिन्यू करते हैं, आगे जाते हैं और भी मस्त मस्त चीज दिखाते हैं। बट ये देखो रोड भी खाली खाली सा लग रहा है, अभी इतना खाली नहीं रहता था पहले, बट विश्वकर्मा पूजा को लेके इधर देखो भाई, ओ भाई ओ हो क्या बात है, जय श्री राम भाई, जय विश्वकर्मा बाबा। तो विश्वकर्मा जी का पूजा हो रहा है उधर भी, और ये देखो सारा कार आज के दिन जितना भी गाड़ी होता है ना
विश्वकर्मा जी का जितना भी सामान होता है ना, वो सारा कुछ आज धुलाता है और फिर पूजा होता है। देखो सो गाइस, अभी हम लोग चंडी से बहुत पहले इधर खड़े हैं। लाइक बाइक देख लो यार, क्या मतलब स्पीड चलाना, तो माला देख लो कैसे हो गया, ये देखो। और फिर भाई जो बाइक टूटा है ना, वो फ्रेम टूटा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा ये कर रहा है, आवाज़ भी कर रहा है, तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। प्लस आस पास में कुछ है तो गाड़ी आगे जाके कुछ थोड़ा सा और भी कुछ दिखाते गाइस आपको। ये देखो, ये शायद ऐसे है ना, इसके अंदर से भी टूट चुका है थोड़ा सा कुछ, और ये कवर रहता है इसके अंदर, यहाँ से दिखेगा जो कि ये देखो कवर है ना, इसके अंदर से भी टूटा हुआ है लगता है, तो आवाज़ कर रहा है थोड़ा सा, जो टूटने का आवाज़ होता है ना, वही वाली आवाज़ कर रहा है। तो इसको पहले देखते गाइस क्या सीन होता है, मतलब ये सही होता है या फिर इसको कुछ और कुछ करना पड़ेगा तो सही होगा, या फिर चेंज होगा, पता नहीं। देखो बट चेंज नहीं करवाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा इसमें लग जाएगी गाइस, उतना अपने पास है नहीं। आज इवनिंग का मौसम देखो यार, क्या मस्त लगता है। देखो सूर्य भगवान एकदम लाल दिख रहा है उधर, प्लस इधर देखो बादल, वो वाली बादल काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। प्लस पक्षी देखो यार ताड़ पे कैसे बैठा हुआ है, और ये देखो बादल क्या ही मस्त लग रहा है ना, ये वाली बादल देखो, मतलब पीछे से लगता है ना कोई पहाड़ है, और उसके आगे से ना कोई छोटा छोटा सा एकदम भेपर टाइप का होता है ना, वो वाली है। और फिर अभी मस्त वाला हम लोग और भी आगे जा रहे हैं, अभी शाम का बोले तो 5:30 हो रहा हुआ है, अप्रोक्स 5:30 बोल सकते गाइस शाम का। तो भाई ये देखो, ये चंडी का मेन मार्केट होते चला जाता है रोड, और फिर ये डायरेक्ट 4 लेन से एकदम आगे चले जाते हैं, लाइक चंडी का मार्केट वार्केट छोड़ के डायरेक्ट पटना वाला रूट में घुसती है। हालांकि ये वाली भी इधर से थी ना, वो वाली पटना रूट में जाती है, बट वो मार्केट को कवर करती तो उधर जाम होती है, इसके कारण कुछ बस इधर से ही निकल जाते हैं। प्लस जो भी प्राइवेट वाली स्कॉर्पियो जो भी बाइक कारवार होती है ना, सारा इधर से निकाल लेते हैं मार्केट में ना फंसे इसके कारण से। भाई ये देखो यार, मतलब हरा हरा सा खेत और उधर सूर्य भगवान लाल, क्या मस्त वाला सीन दिख रहा है ना भाई। अक्सर लोग ना फिल्म में ऐसा लुक देखते ना, ऐसा सीन देखते ना, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट करने को मिल रहा है, मतलब काफ़ी मस्त वाला सीन लगता है। वहाँ से अपन लोग डायरेक्ट जैतीपुर मोड़ पे निकलेंगे, और वहाँ से एकदम और भी आगे जाएंगे ना, तो वहाँ पे निकलेंगे माधोपुर, माधोपुर के और आगे शायद रानीपुर में भी, मेरे को पता नहीं, हाँ शायद वही होगा। उसके बाद नगर नौसा, फिर दनियावा, फिर फतुहा, और फिर वहाँ से पटना। क्या ना चंडी में कुछ काम है गाइस, लाइक एक मेडिसिन की जरूरत है हमें, जो कि चंडी में ही सिर्फ मिलती है। वो भाई मैंने बोला था ना जैतीपुर मोड़, तो ये वाली आगे है ना, वो दिख रही है, वो जैतीपुर मोड़ है, और फिर वहाँ से आगे फिर माधोपुर चले जाएंगे, और उसके आगे नगर नौसा, और फिर ऊपर देखो गाइस ऊपर बोर्ड में भी कुछ लिखा हुआ है, नगर नौसा, हरनौ, दनियामा, बीटा, चंडी बाजार, और फिर बिल्डरिया चक। सो फाइनली गाइज, अभी रात हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, लाइक पूरा रात हो चुका है गाइज, 7 बज चुका है, और फिर उधर से दवा लेने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, ये देखो। सो ले चुके हैं, और अभी अपन लोग घर की तरफ जा रहे हैं। सो नाइट भी हो चुका है, और फिर देख सकते हो पीछे की साइड पूरा अंधेरा, और फिर अपन लोग पेट्रोल पम्प पे, ये देखो। तो सोचे यार पेट्रोल पम्प पे एंड करे गाइज। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइज। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना, और ऐसे ही हमारे वीडियो देखते रहना। सो बाय बाय गाइज।